శ్రీ అంబికా స్కూల్ స్టాండర్డ్ 6 సబ్జెక్ట్ సైన్స్ చాప్టర్ నంబర్ 1 ఫుడ్ అండ్ వెరైటీస్ క్రమ్ ఫామ్. సో హమ్నే ఇస్ చాప్టర్ కో పూరా సమజ్ లియా హై దట్ ఫుడ్ వేర్ ఇస్ ద క్రమ్ ఫామ్, ఫుడ్ కహా సే ఆతా హై, ఉన్కే సారే ప్రోడక్ట్ హమే అలగ్ అలగ్ ప్రోడక్ట్ కే, జైసే హమ్ కుక్ కర్తే హై ఉస్కే మీల్ కిత్నే అలగ్ హోతే హై, హమ్ కిస్ కిస్ టైప్ కే ఎనిమల్స్ హోతే హై, వో కౌన్ సా టైప్ కే ఖానే ఖానా ఖాతే హై, ఉస్ బారే మే యే సబ్ కుచ్ హమ్నే జానా హై ఇస్ పోడి. అబ్ ఇస్కే అలావా హమ్నే వర్క్బుక్ కా వన్ పార్ట్ హై వో ఖతమ్ కర్ లియా హై, जो थोड़ा एम सी क्यू बेस्ड था, छोटे क्वेश्चन थे, वन मार्क और क्वेश्चन थे वो, और थोड़े बड़े क्वेश्चन भी खत्म कर लिए. लास्ट हमने ये दो क्वेश्चन किए थे, व्हाट स्टेप आर टेकन टू द वेस्टेज ऑफ फूड एंड देन द हाउ डज हनी बी प्रोड्यूस हनी, हनी बी कैसे नेक्टर में से स्वीट जूस लेके हनी प्रोडक्ट करती है एंड देन द फूड हैबिट जो हमारे लिए कहा गया था फर्स्ट. अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, what are the category in which animal are divided on the basis of their food habit, what categories unki food habit ke tarah unhe kaun si categories mein hume divide karna hai. Give two example, hume do example dena hai. First hamari jo categories thi humne jo padhi thi wo kaun si categories thi, three groups the. First is herbivorous, second is carnivorous and third is omnivorous. So herbivorous kaun sa tha, deer and rabbit. Deer and rabbit is a herbivorous because deer and rabbit always eat plant, not and plant product. Milk and is a plant product and plant. Milk कह सकते हैं ना, तो हम milk को एक one type of animal product है, पर उसे हम vegetarian herbivorous में लेते हैं. So that the deer and rabbit. Then the carnivorous. Carnivorous is a lion and tiger. सिर्फ और सिर्फ animal खाते हैं. उसे lion है. एनिमल जैसे लायन एंड टाइगर, इसके अलावा लेपर्ड हो सकता है, चीता हो सकता है, जो वाइल्ड एनिमल्स है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल खाते हैं वो कार्निवोरस है. सो देन द ओमनिवोरस, ओमनिवोरस दैट ह्यूमन बी जो प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं उन्हें कहते हैं ओमनिवोरस. देन द बियर एंड ह्यूमन, वी ह्यूमन ईट मीट्स एंड एग other product that and also eat plant fruit other, so that being is omnivorous. Explain the given scientific reason, 2 marks. Hume explain karna hai scientific reason hai. Jo ko bhi science padho na to science mein sabse zyada jo important hai wo hai proof. Kisi bhi cheez ko kisi bhi statement jo diya jata hai use proof dena padta hai science mein. So science is need proof. That's why always reason भी है. कभी भी कुछ चीज़ होती है ना उसके पीछे जो reason है वो जानना पड़ता है. एक statement दिया गया है उसके पीछे हमें reason जानना है. So cat is omnivorous. हमने एक statement दिया गया है, सिर्फ कहा है कि cat omnivorous है. Reason जानना है इसलिए मुझे why, why cat is omnivorous. अगर हमें जो cat को omnivorous बताना है तो कैसे बताएंगे? हम ऐसा कह सकते हैं कि कैट है ये दोनों फ्रूट. पहला ओमनिवोरस क्या होता है? ओमनिवोरस होता है कि जो प्लांट भी खाए और फ्रूट भी खाए, प्लांट भी खाए और एनिमल भी खाए. तो जो ओमनिवोरस है वो कैट है. इसका मतलब कैट है ये दोनों खानी चाहिए, प्लांट भी खाने चाहिए फ्रूट भी खाने चाहिए. अब इन दोनों के एग्जाम्पल दे दो तो रीजन एकदम सॉलिड आ जाएगा. सो दैट दैट द कैट ईट रैट एंड देन स्मॉल क्रीचर्स. कैट क्या खाती है? रेड खाती है एंड स्मॉल कीचर एज वेल एज ऑल्सो चपाटी मिल्क अदर कुक. वो ऐसे भी एज वेल एज चपाटी मिल्क और कुक्ड आइटम्स ही खाती है. देन द बोथ प्लांट प्रोडक्ट एंड स्मॉल एनिमल हैड इट्स बी ओमनिवोरस. जो बोथ प्लांट प्रोडक्ट भी खाती है और एनिमल्स भी खाती है दैट वाइज इट इज ओमनिवोरस. जो कैट को हम ओमनिवोरस कहते हैं. रीजन आपको पता चल जाएगा ऐसे. ओके, गिव द 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस. हमें डिफरेंस पता चलना है. डिफरेंस में क्या होता है कि जो आपको दो पार्ट में लिखना होता है जैसे इस तरह दिया गया है वैसे दोनों की एक एक तरफ एक एक पॉइंट लिखना है. दोनों डिफरेंस होने चाहिए एक दूसरे से. जब एक पॉइंट लोगो उसके सामने डिफरेंट का दूसरा पॉइंट ऐसा ही लिखना चाहिए. सो कभी भी जहाँ भी डिफरेंस पूछा जाए तो ऐसे ही लिखना चाहिए. हमने पूछा हमारा डिफरेंस है हर्बेरियस एंड कार्निवोरस. तो पहले आपको पता नहीं चलना चाहिए कि हर्बेरियस क्या होता है कार्निवोरस क्या होता है. दोनों की डिफाइन लिख दो. फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें हर्बेरियस ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट.
जो हर्बेनियस एनिमल्स है वो सारे क्या करते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। देन द कार्बेनियस, कार्बेनियस ईट्स ओनली एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, तो कार्बेनियस है वो एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। तो वन पॉइंट इज डिफरेंट, दोनों की डिफाइन लिख दी, दोनों डिफाइनेशन से अलग है। नाउ अब इनके एग्जाम्पल लिख लो, काउ कैमल रेबिट आर, जिराफ इटीसी आर हर्बेसियस, लायन टाइगर वेयरवुल्फ इटीसी आर कार्बेनियस। ईगल, लायन टाइगर ईगल वेयरवुल्फ इट इज अ कार्बेनियस। तो दोनों के एग्जाम्पल लिख लिए, दोनों की डिफाइन लिख ली, दो पॉइंट हो गए डिफरेंस में। टू मार्क्स है इसलिए दो पॉइंट लिखने जरूरी है, जो थ्री मार्क्स हुए तो थ्री पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ओके, क्लासीफाई फोर मार्क्स ईच अदर, जो क्लासीफाई करना है हमें। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपको बेस ढूंढना है कि कौन से बेस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इन प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट। हमें क्लासिफाइड करना है कि जो हमारा ऊपर जो जितनी सारी चीजें दी है वो प्लांट प्रोडक्ट की है या एनिमल प्रोडक्ट की है। सो प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट, फर्स्ट इज अ प्लांट प्रोडक्ट। कर्ड, कर्ड है वो कहाँ से आता है, मिल्क में से। मिल्क में से मिल्क कहाँ से आती है, काउ में से और बफेलो में से। सो दैट्स द कर्ड इज अ एनिमल प्रोडक्ट। देन द ग्राउंड, ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स मींस जो हमारे कैशूज है वो सारे ग्राउंड नट्स है वो सारे। सो ग्राउंड नट कहाँ से आते हैं, ऑलवेज प्लांट में से। तो ग्राउंड नट इज अ प्लांट प्रोडक्ट। देन द हनी, हनी कहाँ से मिलती है, हनी बी उसे बनाती है। सो द हनी बी इज अ एनिमल, सो दैट इट इज एनिमल प्रोडक्ट। देन द मीट, मीट इज फ्रॉम द एनिमल, फ्रॉम द एनिमल, सो दैट मीट इज एनिमल प्रोडक्ट। देन गम, अगर आपने कहीं देखा होगा तो जो हमारी ट्रीज है उसके अंदर थोड़े स्टिकी जैसे थोड़े एक बॉल दिखते हैं, जो ट्रीज में से स्टिकी बॉल दिखते हैं वो गम होता है। सो दैट गम इज प्लांट प्रोडक्ट। कहीं भी देखा हो कहीं तो गम होता है, एकदम स्टिकी स्टिकी प्रोडक्ट होती है वाइट कलर की। सो दैट गम इज प्लांट प्रोडक्ट। देन मिल्क, मिल्क इज फ्रॉम काउ, दैट इट इज एनिमल प्रोडक्ट। बीन्स, बीन्स है जो हमारी चने हैं मूंग है वैसे ही। तो बीन्स कहाँ से मिलती है, प्लांट में से। तो बीन्स आर प्लांट प्रोडक्ट। देन घी, घी इज फ्रॉम मिल्क, मिल्क फ्रॉम काउ, सो दैट काउ में घी इज अ एनिमल प्रोडक्ट। देन द टर्मरिक, टर्मरिक है जो हमारा स्पाइसेस है, तो मोस्ट ऑफ दी स्पाइसेस क्या होते हैं, प्लांट में से मिलते हैं। एंड जो हमारी टर्मरिक है वो हमारी वन टाइप ऑफ स्टीम है, प्लांट नीचे से मिलती है। सो द टर्मरिक इज अ प्लांट प्रोडक्ट। देन द एग, एग कहाँ से मिलता है, चिकन में से। तो चिकन इज अ एनिमल, सो द एनिमल प्रोडक्ट। एंड द शुगर, शुगर कहाँ से मिलती है, शुगर कैन में से। तो शुगर कैन इज अ प्लांट, सो दैट द प्लांट प्रोडक्ट। सो क्लासीफाई बेस्ड ऑन अ प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल इन टू हर्बेरियस, कार्बेनियस एंड ओमिनियस। हमें जो प्रोडक्ट है वो हर्बेरियस देखनी है, कार्बेनियस देखनी है और ओमिनियस देखनी है। सो दैट फर्स्ट हॉर्स, हाउस लिजर्ड। तो हाउस लिजर्ड है फर्स्ट, हमारी हाउस लिजर्ड है। हाउस लिजर्ड तुम लोगों ने देखी होगी तो वो प्लांट भी वो मोस्ट ऑफली प्लांट नहीं खाती है, वो कीटक जो हमारे जो क्रीचर है स्मॉल क्रीचर वो सारे खाती है। सो दैट प्लांट, हाउस लिजर्ड इज अ कार्बेनियस। देन द स्क्विरल, स्क्विरल को देखा है कहीं हमारी कॉलीज, सो स्क्विरल्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाती है, दैट इट इज कॉल्ड हार्बेनियस। देन द रैबिट, रैबिट को तो हमने पहले एग्जांपल में देखा था, रैबिट इज हर्बेरियस बिकॉज ऑफ द ईट ओनली प्लांट। देन द ह्यूमन, ह्यूमन मीट ईट प्लांट ऑल्सो, दैट ह्यूमन इज अ ओमनिवियस।
than the giraffe. Giraffe always eat plant, that's why it called herbivorous. Then bear. Bear is also the omnivorous because it is human also and then plant also. Then the moth. Moth is always herbivorous. Then the vulture. Vulture is also the वॉलरस. देखा है कभी वॉलरस तुम लोगों ने? उसमें वो भी वन टाइप ऑफ कार्वेनियस होता है. देन द कैट. कैट इज ओमनिवियस, जो हमने पूरा रीजन लिखा है उसके बारे में. देन स्पैरो. स्पैरो इज ओमनिवियस बिकॉज वो कीट भी खाती है और दाने भी खाती है, दैट इज स्पोरो. देन टाइगर. टाइगर इज अ कार्वेनियस. लायन इज अ कार्वेनियस. डॉग इज ऑल्सो ओमनिवियस. सो ये सारी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, हमारा क्लासिफिकेशन किस बेस पे है उस पर हम देख सकते हैं. इसके चार मार्क है. सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन में तुम्हें कवर करना है क्योंकि सब कुछ दिया है. थोड़ा माइंड यूज करोगे ना तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा. मैच द फॉलोइंग एंड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. मीट फिश बिटर गॉड लेडी फिंगर ककुम्बर लायन टाइगर एंड हर्बेरियस. हमें सेक्शन बी में देखना है कि कैसे वो लगा. मीट फिश में होता है किट इज मीट एंड फिश एंड एग. तो ये सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है. सो इट इज डी. देन बिटर गॉड एंड लेडीज फिंगर ये सारी प्लांट प्रोडक्ट है. दैट इज कॉल्ड प्लांट प्रोडक्ट. दैट इज देयर आर वेजिटेबल्स ऑल्सो आर ऑल सी. देन द लायन एंड टाइगर. लायन कैट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट एंड ईट द अदर एनिमल. लायन क्या करता है? ईट द अदर एनिमल. सो ए. देन द हर्बेवियस प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट इज बी. सो हमारे मैच द अल्फाबेट, जो अल्फाबेट हम मैच करेंगे उसके ऊपर से हम लिख सकेंगे. सो दैट इज रिएक्शन. ओके, आगे का हम आगे के जो पार्ट में करेंगे. तब तक ले आपको इतना लिख ले करना है और एक बार जनरल बुक में भी लिख लेना है. आपकी जब एग्जाम लग जाएगी तब ये सब बहुत जरूरी हो जाएगा.